प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से एक बार बहुत ही दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक अभी बात हो रही है पीओके लेने की, लेकिन देखिए तरक्की पर हो रही है बात, सक्सेस पर हो रही है बात, सहूलियत पर हो रही है बात, एक व्यक्ति की जान नहीं जाने की ज्यादा परवाह की जा रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर फ्लड आता है तो अगर कोई एक जानवर भी बहता हुआ नजर आता है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी आती है, पूरा फोर्स आता है उस जानवर को बचाने के लिए पानी से, कि वो बह ना जाए, कहीं उसकी जान ना चली जाए। तो जब आप सोचिए कि जो देश भारत एक जानवर के लिए हृदय में इतनी मोहब्बत रखता है, तो वो पीओके के रहने वाले बाशिंदाओं के लिए कितनी अहमियत रखता होगा। देख ले हमारे हालात, देख ले पंजाब में है और लाइट जा चुकी है, लेकिन खैर हम अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये गलत बात है? आपका पहला सवाल भी बहुत खूबसूरत था और अभी का सवाल भी बहुत अच्छा है। आपने मुझे अभी अपने नेटवर्क और अपने लाइट की वजह से आपने मुझे 12 मिनट वेट करवाया, क्या मैंने आपका इंतजार नहीं किया? किया, डेफिनेटली किया। तो हमारे 1 लाख में कहां पर कमी आपको दिखाई दे रही है? कहीं पर कमी नहीं दिखाई दे रही होगी। हमारा भारत इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग हो चुका है अब मोदी जी के नेतृत्व में। हम जब चाहे आपके ऊपर फिर से एक जंगों का ऐलान हम कर सकते हैं, एक या कई जंगों का ऐलान कर सकते हैं, और हमारा देश सुकून में रहेगा, हमारे देश को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमारा देश जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा और सेना जो है वो जंगे लड़ती रहेगी, पर हम नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छा 1 लाख का ही तो मतलब एक एग्जाम्पल है। अब आती है बात कि देखिए धर्मों के आधार पर बंटवारा मुसलमानों ने किया था आजादी के वक्त से लेकर के अब तक असदुद्दीन अवैसी ले लीजिए, तौकीर ले लीजिए, ये जितने भी हमारे भारत में भी मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर के बैठे हुए हैं, वो आज भी अपने आप को भारत का बाशिंदा या भारत का व्यक्ति या अपने शब्दों की अपनी शब्दावली के हिसाब से वो भारत से प्रिय और भारत से मोहब्बत नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाते। आज अगर उनको फिर से एक जिन्ना मिल जाए, आज अगर उनको फिर से एक लियाकत मिल जाए, और आज अगर उनको फिर से नेहरू जैसा राहुल बाबा मिल जाए, तो फिर से वो बंटवारे का ऐलान कर देंगे, मुसलमान भारत के अंदर फिर से ऐलान कर देंगे। अब ये बात है कि भारत के सनातनियों को और भारत के उन मुसलमानों को जिनको भारत से बहुत मोहब्बत है, भारत में उन तमाम धर्मों के लोगों को जिसको भारत से बहुत मोहब्बत है, वो राहुल बाबा को आने नहीं देगी सत्ता में। अदरवाइज वही करता राहुल बाबा जो नेहरू ने किया था, भारत को तोड़ना और तोड़ने और फोड़ने का काम अपनी सत्ता के लालच में, जिन्ना अपनी सत्ता के लालच में कर रहा था और नेहरू अपनी सत्ता के लालच में कर रहा था। अब आती है बात कि जब धर्मों के आधार पर और मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया, अब आप सारे मुसलमानों ने तय कर लिया कि भाई हमें पाकिस्तान में रहना है। अब पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान है। अब आपके हाथ में भीख का कटोरा है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास खाने को मुसीबत आन पड़ी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे 1 लाख पर नुक्ता चीनी करने वाले कौन होते हैं आप लोग? इसमें हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है। अब 99.9% मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद भी अगर आप चैन से नहीं है, तो इसमें आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज शैला मुझे और याद आ गया, आजादी से पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगी। आसाम के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे गोपीनाथ बारदुलाई। 1946 में जब ये बंटवारे की सुनगुन और बंटवारे की बातचीत हो रही थी, और पाकिस्तान जो पंजाब आपका आता है, जिसके जिसके बारे में अभी आपने कहा कि आप वहीं पर बैठी हुई हैं, सियालकोट, वो हमेशा चाहते थे गोपीनाथ जी कि सियालकोट भारत का ही हिस्सा रह जाए। और 1946 में उन्होंने सभी लोगों को बताया और वोट पहली बार इस पूरे अखंड भारत में जब वोटिंग के माध्यम से सियालकोट को भारत में रखने की बात हुई, तो गोपीनाथ जी ने साफ लफ्जों में सबको कहा कि सब सुबह सुबह उठे, नहाए धोए और वोट करने के लिए जाए। हमारे देश के हिंदू जो है वो थोड़ा सा
रह गए कि हाँ ठीक है हम तो जीत ही जाएंगे, हम हमारे हाथ में तो सियालकोट आ ही जाएगा, लेकिन मुसलमान पूरी एनर्जी के साथ पूरे पूरे प्रोवोकेशन के साथ लंबी लंबी लाइनें लगा करके उन्होंने वोट किया कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये मुसलमानों ने किया, हिंदुओं ने लाइन नहीं लगाई, हिंदू धूप में खड़े नहीं हुए, हिंदुओं ने परिश्रम नहीं किया कि सियालकोट भारत का हिस्सा होना चाहिए, वो केयरफ्री रह गए, लेकिन मुसलमानों ने लाइन लगाई और पूरे मां फर्जंदान बीवी बच्चे रिश्तेदारों को लेकर के वो सुबह सुबह जाकर के वोट किए। और क्यों किए मुसलमानों ने वोट? इसलिए किया भारी मात्रा में कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान सियालकोट का मुसलमान ये कहता है कि वो मर रहे हैं, वो कट रहे हैं, वो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके 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 बाल बच्चों और छोटी छोटी बच्चियों के का निकाह कर दिया जा रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई आपने धूप में खड़े होकर के लाइन लगा करके सियालकोट को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, मुसलमानों ने पूरी कोशिश की, पूरा परिश्रम किया कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब अगर सियालकोट के मुसलमान रो रहे हैं तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए हमारे इखलाक में कल भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है, हमारी हमदर्दी में कल भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है और ना ही कभी रहेगी। हम जंगों को प्रोवोक करके या जंगों के आधार पर, हम भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रैटेजी कभी नहीं रहा कि हम जंग करें, हम लाख लोग वहां के मरें या लाख लोग यहाँ के मरें और तब फिर हम किसी पर किसी को फतह करें। ये मुगलों का काम होता था, ये सनातनियों का काम कभी नहीं होता है कि सलवार निकालो और गला काटो और तलवार निकालो और ये करो, ये कभी भी सनातनियों का काम हुआ ही नहीं है। हम अपने सक्सेस से, अपने अचीवमेंट से, अपने डेवलपमेंट से, अपनी तरक्की से, अपने अपनी मोहब्बत से, अगर पीओके हमारे पास आना चाहता है, अगर पीओके आजादी का नारा लगा रहा है, अगर पीओके ये चाहता है कि जो तरक्की जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है वो हमारे पास भी हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो कुछ आ रहा है। और आपको याद होगा शैला, मैंने और आपने 2023 में नवंबर में ठंडे का हल्के ठंडे के का मौसम था, मैंने और आपने एक सेशन किया था, एक इंटरव्यू आपने मेरा लिया था, तब मैंने आपको ये बात बताया था कि हमें खून बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में ये लिखा हुआ ही नहीं है, ये वॉयलेंस है ही नहीं। पीओके खुद हमारे पास आने की कोशिश करेगा, हमें पीओके को लेने के लिए किसी जंगों के ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो वो उठा करके देख सकती हैं, मैंने आपको पहले कहा था और आज देखिए आपके पीओके में नारा लग रहा है, फ्रीडम फ्रीडम का नारा लग रहा है, आजादी का नारा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे सर्कल में हम रहते हैं हम वैसे बनते हैं, हम जैसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं हम वैसा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब आप सोचो, सूरह फतह पढ़ना नहीं आता है, सूरह मरियम पढ़ना नहीं आता है, शबे मिराज कब कब होता है ये नहीं पता, शबे कदर कब होती है ये नहीं पता, मिराज की रात क्या होती है ये नहीं पता, कौन से शबे मिराज की रात में हमारी अल्हामी किताब अल कुरान नाजिल हुआ ये नहीं पता मुसलमानों को, लेकिन हिजाब पहन करके बताएंगे कि हम मुसलमान हैं, शेरवानी पहन करके हम बताएंगे कि हम मुसलमान हैं। तो देखिए हमारे भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अश्लीलता का नंगा नाच किया है, इसके अलावा इस्लाम को ना समझने की कोशिश की है और इस्लाम को ना बूझने की कोशिश की है। दोस्तों ये थी नाज़िया इलाही खान की राय, और जो हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि भारत की जो राय थी वो आपने सुनी कि वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ खुद ही आए, क्योंकि हम जो है इतना डेवलप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को कि लोग खुद चाहेंगे कि इनको सिर्फ और सिर्फ अब भारत ही चाहिए। पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ये टूटने वाली कब ख़त्म होगी। मतलब वो चाहते हैं कि कश्मीर इधर आ जाए, हम चाहते हैं कि उनका हिस्सा हमें मिल जाए, और 77 सालों से इंडिया और पाकिस्तान बस लड़ते ही जा रहे हैं, और पता नहीं ये लड़ाई कब एंड होगी। बलूचिस्तान में कुछ हो जाता है तो हम कह रहे हैं इंडिया ने कर दिया, इंडिया में कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान ने कर दिया। कश्मीर आज आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, हालांकि वो असिस्टेंट कमिश्नर की गलती थी, आवाम के अंदर गुस्सा आया तो तब भी लोग कहते हैं कि भारत इन्वॉल्व हो रहा है, भारत के अंदर कुछ होता है तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और पता नहीं ऐसी कौन सी लीडरशिप अब इस वक्त हमारे, कहते हैं ना कि हमें जरूरत है एक ऐसी लीडरशिप की
जो दोनों कंट्रीज के बीच दोबारा से ट्रस्ट डेवलप करे, और इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इस पूरे खत्ते में अमन की ज़रूरत है जो कि भारत की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। सो दोस्तों, मेरा तो जितने भी प्रोग्राम है उसमें मेरे हमेशा ये राय होती है और हमारी गेस्ट की भी राय होती है कि हम लोगों को सीधा पाथ दिखाएं कि ये एक सीधा रास्ता है और ये वायलेंस का रास्ता है। अब चूज़ करना है गवर्नमेंट्स को, उन सियासतदानों को, आखिर उन्होंने अपनी आवाम को किस रास्ते पर लेके जाना है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िया जी। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान और नाज़िया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन और ये दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाज़िया लाई खान जी ने जैसे कि बात की कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अब खुद भारत में विलय करना चाहता है, यानी कि वहां के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं। और जैसे कि नाज़िया लाई खान जी ने बात की 1947 यानी आजादी से पहले जो हिंदुओं ने गलती की थी, कि आज के टाइम पे भी हिंदू वो गलती ना दोहराए, इसलिए मेरी हिंदुओं से अपील है कि वो बाहर निकले, वोट करें और अपनी सरकार जरूर चुने, क्योंकि वो गलती दोबारा हिंदू अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसी कोई सरकार आ गई जिसने देश को तोड़ने की बात की या जिसका एजेंडा देश को तोड़ने का है, वो हम हिंदुओं पे काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।